dear students today in this lecture we will discuss about the tetrahedral complex actually we will discuss about the geometry of tetrahedral complex in a cube so we can represent the tetrahedral complex with the help of a cube and after uh, studying this material यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ टेट्रा हिटल कॉम्प्लेक्स इन अ क्यूब तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिस्कस हम करेंगे और उसकी ज्योमेट्री में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को एक क्यूब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक क्यूब से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में तो उसके लिए हमें जरूरी है जानना कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम एक क्यूब से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड हेयर वी विल डिस्कस अबाउट दी टेट्राइट्रल ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्पलेक्सेस तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्पलेक्सेस की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं जिनका शेप कैसा होगा टेट्राहीड्रल नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ वट टाइप ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स टेट्राहीट्रल कॉम्पलेक्सेस तो किस तरीके के ट्रांजिशन मेटल्स टेट्राइटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं और वो कौन से मेटल आयंस हैं दे आर मेटल आयंस फ्रॉम लेट ट्रांजिशन मेटल्स ये जो आपको दिखाए हैं थ्री डी सीरीज के मेटल आयंस हैं तो ये लेट ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे कोबाल्ट सेकेंड कॉपर सेकेंड जिंक सेकेंड एंड कैडमियम सेकेंड तो ये ऐसे मेटल आयंस हैं जो कि टेट्राइटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड uh, इसके अलावा अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे टी आई फोर टाइटेनियम है मैगनीज है क्रोमियम है ये क्या करते हैं ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं बट ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है ये जनरली ये जो टेट्राहेड्रल शेप है ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें मेटल आयन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इट मे बी आइदर एस पी थ्री और एस डी थ्री ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सी पढ़ी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पॉस्टूलेट हमने पढ़े थे तो वहां पर हमने देखा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन ऑन द सेंट्रल मेटल आयन मे बी एस थ्री और एस थ्री और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री होगा तो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे डी ऑर्बिटर्स डी एक्स एंड डी एक्स इट हैज बिन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर

इन मेटल आयंस के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है एस डी थ्री और अदर मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन पर एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये स्पेसिफिसिटी है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिनकी होती है तो वो कौन बनाते हैं और किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल आयन में होता है now if we see the geometry of a tetrahedral complex then we will find that tetrahedral complex lacks center of symmetry तो अगर हम इसकी simple जैसे हमने uh, simple molecules का structure देखा है tetrahedral जैसे हमने methane molecule देखा है organic में तो वहाँ पर देखा होगा कि जो जो टेट्राहेड्रल जोमेट्री है वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती और इस सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से लेटर ऑन यू विल सी दीज आर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस ये क्या होते हैं बहुत इंटेंस कलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एज कम्पेयर टू दी ऑक्टा कॉम्प्लेक्स जैसे आपने देखा होगा केमिनोफोर कैसे रंग का होता है पर्पल कलर का तो ये बहुत डार्क कलर के कॉम्प्लेक्स हैं इनका शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल और अगर इनका शेप टेट्राहीड्रल होता है तो यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है डी डी ट्रांजिशन का जो कि आप पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में जहां पर आप देखेंगे अबाउट द दे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस तो आपको केवल यह याद रखना है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ये बहुत काम आएगा ये वाला पॉइंट बार बार आपको ये ध्यान रखना है कि टेट्राहीडल कॉम्प्लेक्सेस दे डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है इसलिए आप देखेंगे इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम जी यूज नहीं करते जीरेट टर्म हम यहां पर यूज नहीं करते हैं टेट्राहेड्रल के केस में ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जिस कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वहां पर जी रेड यानी जी साइन का यूज करेंगे और जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वहां पर हम जी सब स्क्रिप्ट में यूज नहीं करेंगे वो हम लेटर ऑन लेक्चर्स में देखेंगे

और इस क्यूब में आप देख सकते हैं छ फेस होंगे एक क्यूब में कितने फेस होते हैं छ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स आई विल शो यू अ क्यूब मैं आपको एक क्यूब दिखाऊंगी वहां पर आप देखेंगे कि एक क्यूब में कितने फेस होते हैं छ फेस अब इन छह फेस में अगर आप देखेंगे तो ये फेस और ये फेस इस फेस के बीच में होता हुआ जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है जो एक फेस ये पीछे है और एक ये आगे है देखिए तो यहां से जो दिखाया है हमने जो वहां से होता हुआ जो एक्सेस होगा वो वाई एक्सेस है और एक ही जो नीचे फेस है और एक जो ऊपर फेस है यहां से होता हुआ जो एक्सेस है वो है जेड एक्सेस अब आप देखिए कि हम कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें शो करेंगे ये दिस इज द वन फेस ऑफ क्यूब ये एक क्यूब का एक फेस है इस फेस के अगर हम अपोजिट कॉर्नर्स देखें और इसको अगर हम दो लिगेंड से दिखाएं और इसके पीछे जो फेस है दिस वन इस फेस के जस्ट अपोजिट कॉर्नर्स पर दो लिगेंड अगर हम ऐड कर दें तो ये जो ज्योमेट्री होगी ये होगी टेट्राहीट्रल ज्योमेट्री क्या किया देखिए हमने देखिए मेटल सेंटर है एक बॉन्ड ये बना दूसरा बॉन्ड तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट तो चार पॉइंट बनेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम एक क्यूब से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में हमें आशन, आसानी होगी कि कैसे डी ऑर्बिटल्स अरेंज रहते हैं और कैसे इनकी स्प्लिटिंग होती है ड्यू टू दी लिगेंड फील्ड इफेक्ट क्योंकि लिगेंड जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिगेंड यहाँ से आ रहे हैं यहां से यहां से यहां से और एक्सेस कहा है देखिए बिल्कुल अलग जगह पर है एक्सेस यहां है एक्सेस यहां है ये ये जो दिखाई है ये ऐसे आगे पीछे है आपकी और ये जो किताब के पीछे ये एक्सेस है और एक, एक्सेस कौन सी है ये जेड एक्सेस तो ये को हम कैसे दिखा रहे हैं दिस इज वन फेस इस फेस के अपोजिट कॉर्नर्स और ये जो फेस है इसके अपोजिट में उसके अपोजिट कॉर्नर पे जो लिगेंड्स अगर हम शो करें तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसको आपको एक क्यूब की हेल्प में दिखाने जा रही नाउ यू कैन सी दिस क्यूब ये एक क्यूब है इस क्यूब में सिक्स फेस है ये ब्लू एक फेस है एक फेस व्हाइट है एक फेस ग्रीन है और एक फेस येलो ये चार फेस है फिर एक फेस रेड है और एक फेस ऑरेंज है तो कोई भी क्यूब अगर होगा तो उसमें कितने फेस होंगे सिक्स फेस वन एक इसके नीचे थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये जो सिक्स फेस हैं मैंने आपसे कहा कि अगर एक एक्सिस ऐसे हो देखिए इस फेस से और इस फेस से अगर होता हुआ जाए तो ये एक्सिस हमने एक्स एक्सिस माना दूसरा एक्सेस ये है देखिए ये तो एक फेस ये है और दूसरा फेस ये है तो इस फेस से होता हुआ और इस फेस से होता हुआ जो एक्सेस जाएगा वो वाई माना और एक फेस ये है देखिए ये फेस है और एक इसके नीचे फेस है तो जो यहां से जो एक्सेस ऐसे जाएगा वो जेड एक्सेस होगा ओके okay? तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दोजीशन ऑफ द एक्सेस वन एक्सेस टू एक्सेस एंड थर्ड सो तीन एक्सिस, अब हम देखें कि लिगेंड्स की पोजीशन कहाँ पर है तो ये एक फेस है इस फेस के अपोजिट कॉर्नर ये देखिए यहाँ पर लिगेंड एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ है, इसका अपोजिट फेस अगर हम देखें तो इसके अपोजिट फेस को अगर देखिए ये है ये तो ये यहां एक लिगेंड है यहां एक लिगेंड है अब जो इसका अपोजिट फेस है इस अपोजिट फेस के यहां पर एक लिगेंड है और यहां पर एक लिगेंड है तो ये पोजिशन है जहां पर मेरी उंगली है देखिए, ये एक लिगेंड है ये दूसरा लिगेंड है ये तीसरा लिगेंड है ये चौथा लिगेंड है तो इस तरीके से लिगेंड्स की पोजीशन है कि ये एक हम क्यूब से दिखा सकते हैं कि ये कैसे अरेंज रहता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक क्यूब में हम कैसे शो कर सकते हैं नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन ड्रॉ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन अ क्यूब अब आप देखिए कैसे हम एक क्यूबिक ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को शो कर सकते हैं तो ये एक क्यूब हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्यूब ड्रॉ करने के लिए ये एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया ये दूसरा स्क्वायर हमने ड्रॉ किया और इन दोनों को क्या किया मैच कर दिया इनको जोड़ दिया तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो फिर आप इसमें हम किस तरीके से पोजीशन लगा सकते हैं पहले हम इसमें शो करेंगे कि एक्सेस देखिए दिस इज वन एक्सेस ये देखिए इन दोनों फेस से होती हुई जा रही है तो इसको हमने एक्स एक्सेस कहा ये जो एक ऐसे एक्सेस होके जा रही है दिस इज जेड एक्सेस और एक एक्सेस जो आगे पीछे है जो हमें दिख नहीं रही है यहां से ये है सो दिस इज वाई एक्सेस ओके नाउ वी कैन शो पोजीशन ऑफ द लिगेंस अब हम लिगेंट्स की पोजिशन ड्रॉ कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ड्रॉ देखिए ये जो अपर फेस है इसके दो अपोजिट कॉर्नर्स ये देखिए ये एक फेस है इसके ये अपोजिट कॉर्नर्स और ये एक फेस है देखिए ये दिस इज द अपोजिट फेस और इसका ये वाला कॉर्नर इसके अपोजिट कॉर्नर सो दिस वन एंड दिस वन सो आप देख भी सकते हैं देखिए ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसको मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ कि कैसे एक ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है यहाँ पे अगर एक मेटल सेंटर है तो ये देखिए ये दिस इज द पोजिशन ऑफ अ टेट्राहेड्रा You can easily see the tetrahedral structure of this metal complexes if this is L1 ligand, this is L2 ligand, this is L3 ligand, and this is L4 ligand. So, this is the representation of tetrahedral complex in a cube. So, this is all about the tetrahedral geometry in a cubic system, and uh, we can conclude this lecture. इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टेट्राटल ज्योमेट्री व्हिच काइंड ऑफ मेटल आइंस शोस द टेट्राटल ज्योमेट्री किस तरीके के मेटल आइंस हैं जो कि टेट्रा हिटल ज्योमेट्री शो करते हैं और उन पर जो सेंट्रल मेटल आइटम है उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये हमने इसमें स्टडी किया और हमने देखा कि एक क्यूब में हम कैसे एक्सेस शो कर सकते हैं और कैसे हम एक टेट्राहिटल कॉम्प्लेक्स के लिगेंड्स को अरेंज कर सकते हैं हाउ कैन वी अरेंज द लिगेंड्स इन अ क्यूब फॉर अ टेट्राहिटल ज्योमेट्री जोमेट्री एंड हाउ वी कैन शो द एक्सेस इन अ क्यूब सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर सो थैंक यू वेरी मच